हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और पिछली क्लास में हमने बात किया था, कंप्लीट किया था क्वेश्चंस आंसर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात किया था कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस, उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द चार्ज इन रेस्ट, वेयर एज करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद चार्ज इन मोशन। तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चार्ज मोशन में होगा। अब चार्ज मोशन में कब होगा और क्यों होगा और किन किन सब्सटेंस में होगा, ये हमें पहले सीखना चाहिए। सवाल यह है कि चार्ज मोशन में होगा कैसे। तो जितने भी मेटालिक सब्सटेंस हैं, जैसे सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सब मेटालिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वो हर एक सब्सटेंस में, जैसे कि आप जानते हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं, एक न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते, वैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी होने की वजह से लूजली बॉन्डेड होते हैं, और उनमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। वो चूंकि लूजली बॉन्डेड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जिन सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, और इवन इन सिमिलर सब्सटेंस फ्रॉम द वन एटम टू आउटसाइड ऑफ दिस ऑर्बिट, राइट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एल्युमिनियम का ही एक वायर ले ले या कॉपर का एक वायर ले ले, तो उसमें मिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस एटम से बने होते हैं, उसमें कोई एक ही एटम तो है नहीं। तो सब में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। अब मूव क्यों करेंगे और कब करेंगे, ये बात अभी हम बताएंगे, बट ये मूव कर सकते हैं बिकॉज दे आर लूजली बॉन्डेड। और सिंस ये मूव कर सकते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज में मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही चार्ज को मोशन में ले आती है। चार्ज चूंकि मोशन में आता है तो करंट कंस्टिट्यूट होता है। इसका मतलब हुआ कि करंट है क्या, करंट है मोशन ऑफ चार्जेज। अब कैसे, कितना, कब, अब तो ये सवाल है कि चार्जेज का मोशन कितना तेजी से, स्लो फास्ट अमाउंट, बहुत सारी बातें होगी। इसका मतलब है कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड करंट, और टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का मतलब ये हुआ कि चार्ज एक टाइम रेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पे हम करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। तो करंट जो होगा वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट रेट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम कहेंगे करंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर में पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। तो आइए इस पे हम डिटेल बात करते हैं आज करंट की, और करंट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि करंट कैसे काम करता है और इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है अगर है तो, और उसमें इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज चार्ज कंस्टिट्यूट करंट, करंट। अब रेट किसका है, तो टाइम रेट। इसका मतलब हुआ कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो वी कैन से टाइम रेट, इट विल बी बेटर टू राइट हियर टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करंट इन ए कंडक्टर एनीवेयर। कंडक्टर कैन बी नॉट ओनली द मेटल, नॉट ओनली द वायर, इट कैन बी सॉल्यूशन एज वेल, इट कैन बी गैस एज वेल। सो वी विल डिस्कस हाउ एंड वेयर करंट कैन
फ्लो। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि आई करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू अपॉन टी, और क्यू क्या है, चार्ज इन कंडक्टर। यानी अगर एक कंडक्टर ये है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पे, ये हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना चार्ज यूनिट टाइम पे फ्लो हो रहा है, वो करंट को कंस्टिट्यूट को डिफाइन करेगा। इसका मतलब हुआ कि करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और कूलम्ब पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, दैट इज डिनोटेड बाय ए। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब सवाल यह है कि ये क्या है, ये वेक्टर है कि स्केलर है। तो करंट का एक डायरेक्शन होता है, करंट का एक डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कैसा होता है, करंट फ्लो कब होगा, पहले ये समझते हैं कि करंट फ्लो होगा कब। अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, क्या एक वायर आप लेंगे तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, नहीं, आंसर है नहीं, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, बट दे आर नॉट कंस्टिट्यूटिंग एनी करंट। व्हाई, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडम मोशन में है, इनकी जिगजैग मोशन होती है और कहीं पे भी मोशन होती है इसकी, इसलिए ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो होने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो तभी होगा जब हम उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसमें पावर दे, एक्सटर्नल सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, तभी इसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में हैं, उनको बाहर में एक डायरेक्शन देने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक सोर्स से जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए कि इधर हमने एक सोर्स से जोड़ दिया, और सोर्स से जोड़ देने के बाद क्या हुआ कि इसमें जैसे इधर पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया है, इधर निगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गए, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करना शुरू कर देंगे, और इसका सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि चार्ज लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, और चूंकि चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तब करंट होगा। अदरवाइज आप जरा सोचिए कि एक वायर ले ले, क्या उसमें बल्ब कहीं लगा देंगे तो जल जाएगा, नहीं जलेगा। उसके लिए हमें एक बैटरी की जरूरत होती है, एक सोर्स की जरूरत होती है। जब तक हम किसी सोर्स से नहीं जलाएंगे तब तक करंट उसमें फ्लो होगा ही नहीं। एक वायर सिंपली ले लिया जाए तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जरूर मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं, क्योंकि वो तो एटम का ही करेक्टर है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगातार फिक्स ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, और जहां तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सवाल है, ये बाहर में मूव कर रहे होते हैं, ये अपने ऑर्बिट से निकल भी जाए अगर, तो उनकी मोशन किसी भी सोर्स की वजह से, किसी भी कोलिजन की वजह से, किसी भी फ्रिक्शन की वजह से अगर उसमें से निकल भी जाए तो वो बाहर में रैंडम मोशन में होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है कि हम उसे एक सोर्स दे, और सोर्स में पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमने जोड़ दिया एक तरफ से, दूसरी तरफ से निगेटिव टर्मिनल से जोड़ करके वायर सर्किट को कंप्लीट किया, तब उस वायर में करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें किसी भी क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो होगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। इवन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पॉजिटिव वायर वाली जो बड़ी बड़ी खंभों पे
तार होती है उस पे चिड़िया बैठ जाती है, उस पे कोई चिड़िया बैठ जाती है और बैठने के बाद भी उनका सर्किट चूंकि पूरा नहीं होता, एक या इधर वो पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल वाले वायर वाले पे बैठी होती है, इसलिए उनके बॉडी में करंट फ्लो नहीं होता। अब आप सोचे तो आदमी क्यों नहीं ऐसा होता है, आदमी भी बैठ जाए क्या उस तार पे? ऑफ कोर्स आदमी एक ही तार को पे अगर पकड़ भी ले तो उसके बॉडी में करंट तो फ्लो होगी बट सर्किट पूरा नहीं होगा जब तक कि वो दूसरी तार को ना पकड़ ले, उसको मर नहीं सकता। मरने के लिए जरूरी है कि वो दोनों तार को पकड़ ले, तो उसमें बॉडी जो है ये एक कंडक्टर की तरह, क्योंकि इसमें आयरन है, होमोग्लोबिन हमारी ब्लड में है जो कि आयरन को कंस्टिट्यूट करता है, वाटर है, तो ये इम्प्योरिटी जो है हमारी बॉडी के अंदर ये करंट को कंस्टिट्यूट करता है और एक सर्किट पूरा हो जाता है। जमीन पे भी इसलिए कहा जाता है कि लोगों को कि जमीन पर आप अगर खड़े हैं और किसी तरह से वायर का इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहे हैं तो आप रबर के चप्पल पहनकर काम करें, लकड़ी के तख्ते पर काम करें, जमीन पे ना करें, क्योंकि जमीन अर्थ जो है वो भी सर्किट को पूरा करने में मददगार साबित होता है, वो निगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है, इसलिए सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा करंट का फ्लो नहीं होगा। अब सवाल ये है कि करंट फ्लो होता है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, जैसा कि अभी हमने कहा, तो डायरेक्शन किस तरह का होगा, तो डायरेक्शन किस तरह का होगा करंट का ये हमें देखना है कि डायरेक्शन किस तरह का होगा। तो डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन होती है, दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट इसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब है क्या है कि अगर हमने एक सर्किट बनाई यहाँ पे और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे कोई हमने एक रेजिस्टर लगा दिया और मान लीजिए कि यहाँ पे की लगा दिया ये की, और ये सर्किट पूरा हो गया, अगर हम की को ये प्रेस करें तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है, करंट का फ्लो इधर से होगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव की ओर जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है कि इसी में देखिए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये ऐसे जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से इधर की ओर जाएगी, कैसे? यहां से ये निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन कहां से ओरिजिनेट होगा, निगेटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होगा, क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर चूंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जहां एक्सेस होगा वही से तो निकलेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही तो खर्च करेगा, वैसे ही स्थिति यहां है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी वो निगेटिव टर्मिनल से निकलकर, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कहलाता है उसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। लेकिन हम पहले से कन्वेंशन ऐसा माना गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेज फ्लो होती है निगेटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन भी हमने माना है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, पॉजिटिव चार्जेस निकलता है और निगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट होता है, निगेटिव की तरफ टर्मिनेट होता है, इसलिए कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन तो है, करंट में डायरेक्शन है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? तो आपको मैं बता दूं कि इवन दो दे हैव अ डायरेक्शन बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है भाई? इसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों ही है, तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो स्केलर कैसे हो सकता है? तो हमें आपको बता दें कि इसमें डायरेक्शन जो है
वो सिर्फ इसलिए है कि यो ये बताता है कि डायरेक्शन वेयर इट ओरिजिनेट्स एंड वेयर इट टर्मिनेट्स, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। इस डायरेक्शन का सेंस किसी एक यूनिट डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये तो रास्ते में चाहे कैसे भी डायरेक्शन बदल ले, ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, इधर से घूम के कहीं से भी जाए, इंटरनल पाथ इसका कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन सिर्फ ये बताता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ पर टर्मिनेट होता है। दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। और चार्ज क्या है स्केलर, टाइम क्या है स्केलर, डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज स्केलर, एंड देयर फोर करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, इवन दो इट हैज डायरेक्शन बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, तो वो क्या होता है जरा सुनेंगे आप आगे जाकर के। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट ये क्या होता है, When current flow for very small point of time, at an instant of time, amount of current is defined as dQ by dt. That is called instantaneous current. So dI, even you can write dQ by dt, for very small time, the amount of current which flow for very few seconds, that is called instantaneous current. ये तब होता है जब चार्ज जनरेट होती है अचानक से, और अचानक से चार्ज जनरेट होती है कहीं पे तो करंट का फ्लो शुरू होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इंस्टेंट करंट डील करते हैं। इफ एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, राइट ना, सो क्यू इज इक्वल टू एनी, राइट ना, टोटल चार्ज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू एनी, सो एनी बाई टी वी कैन से क्यू इज इक्वल टू एनई बाई टी। तो ये भी करंट का एक डेफिनेशन होगा, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एट ए पॉइंट पॉइंट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में अगर एन इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो इस तरह से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट को डिफाइन करने के लिए हमें ये चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड करंट का डिपेंड करेगा कि कितनी चार्ज उस पर्टिकुलर सेक्शन पे एक यूनिट टाइम में ट्रांसफर हुआ है, यानी पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है। अगर ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर कम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एक टर्म होता है करंट डेंसिटी, उसको सीखते हैं करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी, राइट, करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी क्या है। ठीक है, जब कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कहलाएगा करंट डेंसिटी। इसका मतलब करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय जे। सो करंट डेंसिटी, देयरफॉर करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू व्हाट, करंट आई अपॉन एरिया ए, यानी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये होता है। तो एस आई यूनिट इज, एस आई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी इज
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज कैरियर्स. चार्ज कैरियर्स, कैरियर्स हु चार्ज कैरियर्स, हु कैरी चार्जेस इन कंडक्टर्स. सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सब्सटेंस एज यू नो. देयर इज अ सॉलिड. In solids, in metallic solid, solid, the free electrons, electrons are charge carrier, charge carriers. क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जो लूजली बॉन्डेड है, वो चार्ज कैरियर होते हैं और वही चार्ज को कैरी करते हैं. अब दूसरे लिक्विड्स में क्या होता है. लिक्विड्स, लिक्विड्स में आप देखेंगे कि अगर मैं कहूं कि एक बीकर ले लिया जाए और इस बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl का सॉल्यूशन यहां पे डाल दिया जाए, NaCl अगर इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए जाएं और इसके बाद इसमें करंट फ्लो किया जाए इधर से, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्म, तो ये जो सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट होकर के Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी ये आयंस बनाएंगे. ये क्या बनाएंगे? आयंस. ये पॉजिटिव आयंस और ये निगेटिव आयंस जो बनेंगे ये चार्ज कैरियर के रूप में काम करेंगे. तो इन लिक्विड्स आयंस आर, आयंस आर चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स आयंस आर चार्ज कैरियर्स, राइट ना. सो लिक्विड में जो आयंस होती है सॉल्यूशन का वो चार्ज कैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है. अब जो गैस होंगी उनमें कौन चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा? क्या गैस में चार्ज कंडक्ट होता है? इन गैसेज, गैस में चार्ज कैरियर होता है या नहीं होता है ये जानना है. तो यूजुअली गैस जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता. बट अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो गैस आयोनाइज हो जाता है, और गैस आयोनाइज हो जाएगा तब उसमें चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. सो आयोनाइज्ड व्हेन गैस एज, गैस एज आर आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड बाय डेवलपिंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, देन दे एक्ट एज कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है. सो गैस में भी आयंस जो होते हैं वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं. तो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं और सिचुएशन. अब हर एक लिक्विड में भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी ऐसी जरूरी नहीं है. जिसमें लिक्विड में डिसोसिएट होकर के आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हीं लिक्विड्स में सिर्फ करंट फ्लो करेगा, सारे लिक्विड में नहीं कर सकता, ठीक है. सॉलिड में भी हर एक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसी में करंट कंडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो इस हिसाब से तीन तरह के सब्सटेंस बनते हैं, एक कंडक्टर, दूसरा बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, एंड द थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर. कंडक्टर्स आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, अगले स्लाइड में लिखते हैं कंडक्टर्स टाइप ऑफ सब्सटेंस. देयर आर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस हियर फॉर विद रेफरेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर, इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर. और कंडक्टर में ही एक होता है सुपर कंडक्टर, कंडक्टर में ही एक होता है सुपर कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होती. अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर
में ये हुज विच अलाउ टू पास चार्जेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो अलाउ टू पास द करंट, अलाउ टू पास करंट थ्रू इट फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कॉपर राइट ना एंड सिल्वर लाइक दिस एटसेट्रा. इंसुलेटर्स दोज व्हिच डू नॉट अलाउ टू पास, इसमें ऐसी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बना तो ये भी एटम से होते हैं लेकिन इसमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो डू नॉट अलाउ टू पास, डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू इट करंट. फॉर एग्जाम्पल रबर, रबर प्लास्टिक ठीक है ना एटसेट्रा वुड ब्रिक एटसेट्रा. सेमीकंडक्टर्स आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, दे आर बेसिकली इंसुलेटर्स बट व्हेन दे एक्ट एज ए कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल सिलिकन जर्मेनियम एटसेट्रा, ये जो है ये सेमी कंडक्टर्स हैं बट इनमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला करके इनके कंडक्टिविटीज को बढ़ाया भी जाता है. और ये जो वैसे तो इंसुलेटर होते हैं बट जब एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं तो इसके बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फिर ये कंडक्टर की तरह काम करता है, तो दे आर बेसिकली इंसुलेटर्स, है इंसुलेटर काम कंडक्टर की तरह कर रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर. आई होप यू गॉट इट ठीक है ओके. अब सवाल है कि 1 एम्पियर करंट कितने को कहेंगे, तो करंट इज इक्वल टू आपने अभी देखा कि चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम. इसका मतलब है कि अगर 1 कूलम का चार्ज, कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो करे किसी पॉइंट पर किसी कंडक्टर के थ्रू, ये कंडक्टर है इसमें 1 कूलम चार्ज इस पॉइंट पर 1 सेकेंड में अगर यहां से पार करता है तो इसको हम कहेंगे 1 एम्पियर ठीक है. सो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट इन विच 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर सेक्शन इन यूनिट टाइम दैट इज 1 सेकेंड, तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर. एम्पियर का एक बेसिक डेफिनेशन भी है कि अगर दो स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का जो एक दूसरे से 1 मीटर दूर हो और ये निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन का हो वायर और इनफाइनाइट लेंथ का हो और इसमें 2 × 10⁻⁷ फोर्स लगे पर मीटर लेंथ, पर मीटर ऑफ लेंथ, तो हम उस करंट को कहेंगे 1 एम्पियर. यानी 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लो थ्रू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया प्लेस्ड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैकम, 1 मीटर अपार्ट इन ए वैकम, इन वैकम, इन वैकम एक्जर्ट फोर्स, फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, पर मीटर ऑफ लेंथ, मीटर ऑफ
लेंथ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है जो आपने पहले सीखा होगा, फिजिक्स में बताया गया है, और ये यहाँ पर भी फिर से फिजिक्स में ही हम बता रहे हैं, कहीं अलग नहीं बता रहे। तो ये शुरू शुरू में जब यूनिट डिफाइन किया जाता है तब ये डेफिनेशन बताई जाती है, 11th क्लास में आपने भी सीखा होगा। आगे फिर यही चीज आगे फिर से डिफाइन किया जाएगा और बताई जाएगी जब हम बात करेंगे आगे, तो इसके बारे में, ठीक है, ईएमआई वगैरह में। सो ये एक एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। तो अब सवाल है कि एक एम्पियर में आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, अभी आपने सीखा था कि एन ई बाई टी, अगर आई एक एम्पियर हो और ये एन है, ई है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और ये है 1 सेकेंड अगर मान लिया जाए, तो एन की वैल्यू निकालें कितना होगा, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इसको ऊपर ले जाएं तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 18 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई 1.6, राइट ना, बिकॉज ऊपर जाके 10 टू दी पावर 19 हो गया, जिसको 10 इंटू 10 टू दी पावर 18 लिख दिया। अगर इसको डिवाइड करें 10 को इससे तो होगा 6.24 इंटू 10 टू दी पावर 18। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन हो गया इतना इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक एम्पियर करंट के लिए अगर किसी कंडक्टर पर, कंडक्टर में एक पर्टिकुलर सेक्शन पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट मान लिया जाए, अगर इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा हो 1 सेकेंड में, तो हम उसे कहेंगे कि एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि एक एम्पियर जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 6.24 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। सो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट इन विच 6.24 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेज ओवर ए पर्टिकुलर पॉइंट इन अ कंडक्टर पर सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। इतना इलेक्ट्रॉन अगर पास करेगा तो जा करके होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात कर रहे थे कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनकी मोशन होती है, इनकी मोशन होती है, और इनकी मोशन कितनी होती होगी, कितने स्पीड से फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपको आइडिया है कुछ, कितने, ये 1000 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से लगभग ये मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब हुआ 10 टू दी पावर कितने, 6 किलोमीटर, 10,000, सॉरी 10,000 किलोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इतनी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स लगभग जो है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हों, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और ये कितनी दूर जाएंगे, यहां से यहां तक एक कंडक्टर से, जिस चूंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इसीलिए आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, चाहे कितनी भी दूर का वायर हो, आपका बल्ब ग्लो हो जाता है, और इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी ज्यादा होने से ये बहुत फास्ट काम करते हैं और बहुत तेजी से ग्लो होता है। तो आज की क्लास में, इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि करंट क्या है, और करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, और चार्ज का फ्लो होने के लिए एक कंडक्टर का होना जरूरी है जो चार्ज को कैरी कर सके। कंडक्टर किस किस तरह के होते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, ये गैसेज भी हो सकते हैं जो चार्ज को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये करंट फ्लो किया जा सकता है इसके जरिए। हालांकि अभी आगे हम बताएंगे कि अब ऐसी टेक्निक निकल चुकी है जिसके जरिए हम चार्ज को बिना कंडक्टर के भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हम कंस्टिट्यूट करा सकते हैं, लेकिन अभी वो आगे की बातें हैं। फिलहाल अभी ये समझिए कि कंडक्टर्स होना जरूरी है चार्ज को कंस्टिट्यूट करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए कंडक्टर का होना जरूरी है, और जब चार्ज फ्लो होगा तो कंडक्शन ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड करंट इफ इट कंडक्ट्स पर यूनिट टाइम। सो
करंट का डेफिनेशन ये हुआ, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके दो डायरेक्शंस होते हैं, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव तक जाता है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव तक जाता है, बट फिर भी करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो सिर्फ ये बताता है कि करंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ पे टर्मिनेट हुआ।